तो वही चंडीगढ़ के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का असर अब ट्रेनों में भी बढ़ने लगा है। बीते दिनों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का हर प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। स्टेशन पर पूछताछ कक्ष से लेकर रिजर्वेशन काउंटर तक यात्री लाइन में खड़े दिखाई दिए। बता दें कि आंदोलन के चलते चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 1 मई तक 5 ट्रेनें रद्द की गई हैं। वही शंभू स्टेशन से किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां से गुजरने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस कारण यात्रियों का करीब 3 से 8 घंटे तक का अतिरिक्त समय लग रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि 1 मई तक अप डाउन 97 ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। अप और डाउन की 70 ट्रेनें 1 मई तक कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को 2 मई तक कैंसिल कर दिया गया है। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हम सुबह से यहाँ पड़े हुए हैं और जहाँ गाड़ियाँ पहले भी सुबह मॉर्निंग में चलती थी, एक पैसेंजर थी अम्बाला के लिए, वहाँ से जो कैंसिल कर दी गई है। और इस तरह जिस तरह गर्मी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और यात्री भी हमारी तरह परेशान हो रहे हैं, तो इस तरह से नहीं। और जब भी रेलवे पूछताछ करते हैं गाड़ियाँ कैंसिल बताई जा रही हैं, तो ये एक चुनौतीपूर्ण है कि हमें गर्मी से सामना करना पड़ रहा है। जब हम सुबह से 5:30 बजे चले गए चंडीगढ़ से, हमें आके गंदी रात हो गई है, बहुत परेशान हुए हैं, बड़ी मुश्किल है। यहाँ चंडीगढ़ पहुँचे आके हमें नहीं, 9 मिनट हुई है, पहले किसी ने नहीं बताया हमें, नहीं बताया। 9 मिनट हुई है, जब जिस बेला गड्डी आने का टाइम था उस टाइम 9 मिनट हुई गड्डी नहीं आएगी। जाना कहाँ है? अब कल का जाना हमें। अब यहाँ से आए कहाँ से? ऐसे सहारनपुर से आए, बड़ी मुश्किल आए थी। जो गड्डी जिसमें आना था वो गड्डी रद्द हो गई, दूसरी गड्डी आई चंडीगढ़ से, एक कुरुक्षेत्र से आई है चंडीगढ़ के लिए, पीछे आए फिर। काफी हो रही है क्योंकि बच्चे बूढ़े सब है, उनको काफी परेशानी होती है साथ में सामान के साथ। हमको बम्बई जाना है, हमारी आपको अभी तक रेलवे ने इतला दिया है कि ट्रेन नहीं, हमारी है, डेट हमारी चालू है।